हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर 2019 एंड 20 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट पासवर्ड कलेक्ट करना है यहाँ से, और आपको 6 डिजिट पासवर्ड को यूज करना है और आप उसे इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए से हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है कंपोजिशन ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ठीक है, तो आपको बेरियम सल्फेट रिएजेंट का कंपोजिशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन मिल जाएगा बेरियम सल्फेट रिएजेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस बताना है लिमिट टेस्ट का, तो एटलीस्ट आपको दो इम्पोर्टेंट बताना है लिमिट टेस्ट का। मैकेनिज्म ऑफ KMnO4। ठीक है, तो आपको मैकेनिज्म बताना है KMnO4 का कि मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट द फॉर्मूला ऑफ इप्सोम साल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इप्सोम साल्ट का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है जो कि आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको रट्टा मार के ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में, तो आपको 2 नंबर में ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ORS। ठीक है, तो ORS का डिफिनेशन भी पूछता है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, इसी तरह यानी आपको यहाँ पे एज अ पैराग्राफ बना के लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपोजिशन डायरेक्ट पूछा गया है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही बेटर होता है जब आपको डायरेक्ट कंपोजिशन पूछे तो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है राइट दी मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड बताना है आइसोटोनिसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेथड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला एंड यूज ऑफ ग्रीन विट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बताना है। ठीक है, और आपको यूज भी बताना है ग्रीन विट्रल का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है डिफाइन एस्टिंजेंट विथ एग्जांपल। ठीक है, आपको एस्टिंजेंट का आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा और एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन आइसोटॉप एंड आइसोबार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइसोटॉप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आइसोबार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीनों रे के बारे में अच्छे तरह से डिस्कस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी 7 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है ताकि आप इसे 7 नंबर में भी लिख सके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको एक एक पॉइंट दो दो पॉइंट लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 या 4 पॉइंट तो आपको लिखना है। इस तरह से हमारा सेक्शन ए है वो कम्प्लीट होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पे, और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वह है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बताना है। ठीक है, गिव अ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एसे एंड यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सपेक्टोरेंट को डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद से प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एसे एंड यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के बारे में आपको बताना है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे यूज भी है, एसे भी है, प्रॉपर्टीज है, जो कि यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे जो कि यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गिव दी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड एसे एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पिछला जो क्वेश्चन था वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अमोनियम क्लोराइड है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर क्लोराइड लाइम्स, तो ये सब का भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आपको डेफिनेटली करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लोराइड लाइम्स मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसे यूज भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है राइट अ नोट्स ऑन फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल क्राइसिस विथ रेफरेंस टू सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है राइट अ नोट्स ऑन फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल क्राइसिस। ठीक है, विथ रेफरेंस टू सोडियम फ्लोराइड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूशन लिखना है जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन बी है वो भी खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन सी पे, और सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ बेंटोनेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ठीक है, यहाँ पे आपको बेंटोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और टेस्ट फॉर प्योरिटी के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेपरेट सेपरेट करके लिखा गया है, इसी तरह आपको भी सेपरेट सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल का यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एंटासिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बताना है आइडियल एंटासिड का। गिव दी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो
यहाँ पे आपको इसमें तीन क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे करना है। पहले तो आइडियल प्रॉपर्टी बताना है एंटासिड का, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बताना है, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बताना है, प्रिपरेशन मेडिसिनल यूज और प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन हिमेटेनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिमेटेनिक्स के बारे में बताना है, राइट प्रिपरेशन एसे ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फेरस सल्फेट का प्रिपरेशन और एसे के बारे में आपको बताना है हिमेक्टेनिक्स के बताने के बाद। तो यहाँ पे आपको फेरस प्रिपरेशन एसे और यूज भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है राइट इन डिटेल दी लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट टेस्ट बताना है आयरन का, जो कि आपको यहाँ पे काफी डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में आपको बताना है एंड इलेबोरेट देयर फार्मास्यूटिकल्स अप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल अप्लीकेशन के बारे में इलेबोरेट भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव के बारे में बता देना है, ठीक है, उसके बाद से उसे इलेबोरेट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल नोट्स ऑन वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के बारे में बताना है इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के बारे में बताना है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी का, ठीक है, जो भी सोर्स है इम्प्योरिटी का वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये डेफिनेटली करके जाना है कि इम्प्योरिटी का सोर्स क्या होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल जो सब्सटेंस होते हैं उसमें सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है, तो उस बातों पर आपको ध्यान रखना होता है फार्मेसी में। इस क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन वेरियस मेथड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टोनोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेथड है उसे आपको बताना है यहाँ पे टोनोसिटी का एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड है जो कि आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम लोग सेक्शन सी कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो लेक्चर है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको पता ही होगा कि कैसे उसे एक्सेस करना है, ठीक है। 6 डिजिट पासवर्ड आपको यहाँ पे लेक्चर में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।